आईपीसी की धारा 437 को आज हम देखेंगे। साथियों, भारतीय दंड संहिता 1860 का जब निर्माण हुआ था तो उस समय अंग्रेजी हुकूमत थी, भारतीयों पर तमाम प्रकार के जुल्म किए जा रहे थे, तो कुछ ऐसे कानून हैं जिनमें बहुत ज़्यादा संशोधन नहीं किया गया और आज भी वह कानून उसी प्रकार से कायम है, क्योंकि उस समय यातायात का साधन तो इस प्रकार से था नहीं कि सबके पास मोटरसाइकिल या कार थी, ट्रक थी, टैंकर थी, इस प्रकार से था नहीं। उस समय तो ज़्यादातर जलयान ही चलते थे, जहाज़ें चलती थी, शिप चलते थे और पानी में ही चलते थे, तो उसको लेकर यह कानून बनाया गया है। तो आज हम जो बात कर रहे हैं, आज के समय में यह धाराएं जो है बहुत ही महत्वपूर्ण तो नहीं है, लेकिन क्योंकि एक सीरियल वाइज चल रहा है, एक सीरीज चल रही है, तो उसमें हम इस कानून की जो है चर्चा कर लेते हैं। आईपीसी की धारा 437 के बारे में हम आज चर्चा करते हैं। आईपीसी की धारा 437 यह बताती है कि अगर कोई व्यक्ति किसी जहाज में जिसका वजन 20 टन से अधिक है उसमें किसी प्रकार का नुकसान करता है, इस आशय के साथ करता है, पूर्ण इरादे के साथ करता है कि मुझे उसका नुकसान ही करना है, तो इस इरादे के साथ जब किसी प्रकार का नुकसान करता है तब वह जो है 10 साल तक के कारावास का सकती है, सादा या सश्रम कारावास मिल सकती है, साथ ही साथ जुर्माना भी लगाया जाएगा। इसमें एक चीज़ ध्यान देने वाली बात है कि जुर्माना कंपलसरी है, इसमें या की बात नहीं है कि या तो सज़ा दी जाएगी या तो जुर्माना, इसमें दोनों होगा, क्योंकि मिसचीफ के जितने भी चैप्टर हैं, जितने भी धाराएं हैं, उसमें चीज़ जो है सामान्य रूप से है कि जुर्माना साथ ही साथ जो है सज़ा का प्रावधान किया गया है। अब इसके बाद हम आईपीसी की धारा 438 के बारे में बात करते हैं। 438 यह बताती है कि अगर कोई व्यक्ति विस्फोटक सामग्री के साथ या अग्नि के द्वारा किसी शिप में, जहाज में, जलयान में कोई नुकसान करता है तो उसकी गंभीरता बढ़ जाती है। सामान्य रूप से तोड़ फोड़ करना, नष्ट करना वो दूसरी बात है, लेकिन अगर कोई अग्नि के द्वारा या किसी विस्फोटक सामग्री के द्वारा किसी जहाज में इस प्रकार से नुकसान पहुंचाता है तो उसे 10 साल तक की सज़ा, साथ ही साथ जुर्माने का प्रावधान किया गया है। आईपीसी की धारा 439 यह बताती है कि अगर कोई व्यक्ति किसी जहाज में, किसी शिप में चोरी करने की नीयत से उस जहाज को उस समुद्र के किनारे या नदी के किनारे लेकर जो है रखता है या उसमें से संपत्ति चुरा लेता है तो उसे 10 साल तक की सज़ा, साथ ही साथ जुर्माने का प्रावधान किया गया है। आईपीसी की धारा 440 यह बताती है कि अगर कोई व्यक्ति किसी जहाज में, जलयान में, शिप में चोरी करने की नीयत से पूरी तैयारी के साथ, यानी कि वह उसका इंटेंशन यह है, आशय यह है कि अगर उसको किसी की जान भी लेनी पड़े तो उसके लिए वह तैयारी करके जाता है, अर्थात वह चोरी करने के नीयत से जाता है।